चार लाइनें कहता हूँ, अच्छी लगे जरूर ताली बजाकर शुरुआत देना। कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। कि बर्तन माज कर चार बेटों को पाल लेती है वो माँ, पर दुल्हन आने पर उन चार बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कि बताया है कि तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। और ये चलेंगे उस माँ को याद करते हुए जिस माँ ने हमें जन्म दिया है। तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएंगी। ऐसे नहीं, आनंद जब आएगा जब दोनों हाथ सीधे करोगे। ये भजन है रागनी में समझ उठा के तरह तारी बजा के। ओ माँ, ओ माँ, माँ तू कहाँ, माता ही जग चलाए, माता है जन्म दाता, माता ही जग चलाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, होता है जब अंधेरा माँ रोशनी दिखाए, उपकार हम पे माता कैसे उतारा जाए, नौ महीने मुझको रखा मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए, मैया ने दुख उठाए। सुनेगा कि नौ महीने तन के साचे में ढालती है माँ, नौ महीने तन के साचे में ढालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ, फिर जन्म देती है हमको पालती है माँ। कि माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है, माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। कौन कौन उस माँ को भगवान मानते हैं एक बार सीधे हाथ करके जरूर बताओ। प्रेम से जगह बोलो अपने माता पिता की, बड़ा ही चलते हैं उस ममता की और जिस ममता ने बड़ा कर दिया। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। क्या है माँ की ममता? बोलते रहिए आज भी आनंद आएगा। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। अब सुनिएगा किस्सा, किस्सा उस समय का जब एक घर से जवान बेटा कहीं दूर प्रदेश में जाता है तो घर वालों से फरमाइश आती है। फरमाइश किस तरीके से सुनेगा। जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जब कोई परदेश जाता है बेटा, हाँ जी कौन जाता है बेटा, शुरू दौर होता है फरमाइशों का, शुरू दौर होता है फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए मोटर गाड़ी लाना, और दुल्हन कहती है मेरे लिए प्यारी प्यारी सी साड़ी लाना। अगर उस माँ की बात अच्छी लगे तो ताली बजा के जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। मगर माँ कहती है तू कुछ भी ना लाए, मेरा लाल वापस मेरे घर होती है माँ की ममता। एक कहानी याद आ रही है, अगर आपकी मर्जी हो तो सुना दूं।
कहानी बिलकपुर धाम की एक बार प्रेम से चकर बोलो बाबा मोहन राम की। ऐसे नहीं बाबू मोहन राम जी का दोनों हाथ उठा कर बोलो बाबा मोहन राम की। मिलकपुर धाम में होली वाले दिनों पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की घटना है कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ से कहता है माँ मुझे उस मेले में घूमने जाना है। तो वो माँ कहती है बेटा वो मेला बहुत बड़ा है तू खो जाएगा, तू मेरा अले का बच्चा है मैं तुझे कैसे ले जाऊं। लेकिन वो बच्चा अपनी माँ के सामने जिद चला देता है। सुनिएगा क्या होता है। मिलकपुर धाम में, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी, मिलकपुर धाम में मेला लगा हुआ भारी। माँ और बेटे की देखने की तैयारी, माँ और बेटे की देखने की तैयारी। नीला दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है, लगाया है। आनंद जब आएगा आधा मैं बोलवा था आप तो समझ जाए। नीला दूल्हा कर अपने लाल को सजाया है, नजर ना लग जाए काजल उसे लगाया है। लाल को गोद लिए माँ वो चलने लगी, लाल को हंसता देख ममता मचलने लगी। भीड़ जोरों की थी, बच्चे का हाथ छूट गया, इसी बीच में माता का साथ छूट गया। कि उसके बच्चे को एक औरत ने चुराया था, बड़ी जालिम थी अपने घर में ही छुपाया था। और आप सभी को पता है जब एक माँ का लाल बिछड़ जाता है तो उस माँ की रो रो करके क्या हालत हो जाती है। सुनेगा कि ढूंढते ढूंढते उस माँ की आंखें भर आई, वो रोती दुखियारी वापस अपने घर आई। बच्चा चुर गया लेकिन उसे माँ बाबा मोहन राम पर यकीन था कि बाद एक साल वो मेला जरूर आएगा और अगले साल मैं अपने बच्चे को ढूंढने जरूर जाऊंगी। एक बार प्रेम से जिकर बोलो बाबा मोहन राम की जय। वही मेला आया है लाल को ढूंढने माता ने पुकारा है, लाल को ढूंढने माता ने पुकारा है, लाल को ढूंढने माता ने पुकारा है, लाल को ढूंढने माता ने पग बढ़ाया है। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, कौन सी औरत जिसने उसका बच्चा चुराया था। वही औरत उसी बच्चे को लेके आई थी, जैसे वो अपना लाल बंसवर के लाई थी। और वो माँ असली माँ अपने बच्चे को पहचान लेती और अपने पति से कहती है, सुनेगा कि अपने पति से कहने लगी मुन्ना वो हमारा है कि झपट कर छीन लिया ना सोचा ना विचारा है। अब दोनों माओ में लड़ाई हो रही है। सुनिएगा किस तरह से नकली माँ कहने लगी नूरे नजर मेरा है, असली माँ कहने लगी असली पिशर मेरा है। और फिर वहां पर उपस्थित भीड़ कहती है यदि बच्चा इसके पास है तो इसी का होगा। तो असली माँ से कहते हैं कि तू को इस बच्चे की पहचानी बता। तो दोनों माँ पहचानी बता रही है। सुनेगा कि नकली माँ कहने लगी अरे छोड़ दे मेरा दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है, असली माँ कहने लगी इसके पीठ पर दिल है। फिर वहां पर जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, भीड़ को देखकर पुलिस वाले भाग कर आते हैं, उस बच्चे को छीन करके ले जाते हैं। सुनेगा क्या होता है। शोरगुल सुनकर वहां पर पे पुलिस आई है, बच्चे को लेकर के उन दोनों को उसने छोड़ दिया, तुम अदालत में आओ दोनों को ये हुक्म दिया। बच्चे को ले लिया और दोनों माओ से कह दिया कि दो दिन बाद तुम्हारी कोर्ट में तारीख है, कोर्ट में आ जाना उस बच्चे को
ले जाना। और जब वहां के जज साहब के पास वो फाइल पहुंचती है तो जज साहब बड़े घबरा जाते हैं, कहते हैं कि वहां के जज साहब बड़े ही विद्वान रहे, फैसला देता हूं साथी मेरा भगवान, भगवान को साक्षी मानकर जज साहब उस केस को शुरू कर देते हैं। सुनिएगा क्या होता है। कहा जज साहब ने, कहा जज साहब ने, इस बच्चे के टुकड़े कर दो, एक दो इसको, एक इसकी झोली में धर दो। ये सुनकर नकली माँ खुश हो जाती है, नकली माँ कहने लगी कि लाओ तलवार और जल्दी से टुकड़े कर दो। असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो। असली माँ कहने लगी पांच की झोली भर दो। ये बात सुनकर जज साहब उस असली माँ से कहते हैं कि अगर ये तेरा बच्चा नहीं तो इस बांझ को दे दिया जाएगा। तो असली माँ रो रो करके कहती है, क्या कहती है, अच्छी लगे तो जरूर ताली बजा कर आशीर्वाद देना कि मुझे इसका गम नहीं कि दूर सितारा होगा, मारो ना मेरे लाल को एक एहसान तुम्हारा होगा। शर्मिंदा मत करो जी। ये बात सुनकर सारी कचहरी चुप हो जाती है, सबके आंखों में आंसू भर आते हैं। ये बात ही बात में जज साहब ने खेल कर डाला, नकली औरत को साथ साथ खेल कर डाला, नकली औरत को सात साल जेल कर डाला। हाजी कितने साल जेल कर डाली? सात साल। ये होती है माँ की ममता। क्या होती है माँ की ममता? एक बार हाथ उठाएंगे जिसे भेंट पसंद आई है, हाथ नीचे मत करना, ताली बजा कर। ये है माँ की ममता, 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 ये है माँ की ममता। इसलिए कहता हूँ अपनी माँ को मना, किचनी की अम्मा पे भी हयात है उनके लिए, कि साधु संतों ने भी बताया है चाहे कितनी ही भंडारे करा लो, कितनी ही जगराते करा लो, चाहे कितने बड़े भंडारे हो जाए, अगर घर की माँ उदास है तो उस माँ को मनाने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कहा है अपनी माँ को मना वो माँ मान जाएगी। ऐसे नहीं उठा के जरा हाथ, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, तू ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआएं तेरे काम आएगी। एक बार सभी अपनी शुद्ध वाणी सुस माँ को याद करते हुए चलेंगे, मजाक नहीं कर रहे, एक बार उठा के दरो हाथ, जिस जिसके प्रेम में अपनी माँ की भावना है उठा के, किसी को जबरदस्ती नहीं करूंगा, जिस जिसको ये भेंट समझ में आ रही है, जितनी भी भंडारे में बैठे हुए हैं, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।